प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसके तहत आज पंचायती राज मंत्रालय ने देश की सभी ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के मानचित्रण के लिए एक मोबाइल ऐप एम एसेट लॉन्च किया, जिसे assetdirectory.gov.in से डाउनलोड कर लोग अपनी ग्राम पंचायतों की संपत्ति या फिर एसेट्स जैसे स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी की व्यवस्था आदि की तस्वीर पोस्ट कर सकते हैं। इस मौके पर में जो एक रापता, एक संबंध कायम करने वाली बात है, वो इस माध्यम से ज़्यादा नज़दीकियाँ आएंगी और जो आज का युग है उसमें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश को जोड़ सकेंगे। भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास है और जो तमाम पक्षों और संगठनों से इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। इस विधेयक को लेकर आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में संवाद जरूरी है और सरकार किसानों के हित से पीछे नहीं हटेगी। संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का इस मुद्दे पर स्पष्ट रवैया है और सरकार इस विधेयक को लेकर अच्छे सुझाव मानने के लिए भी तैयार है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कमेटी की, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उसके बाद सरकार देखेगी और जो भी किसान के हित में कोई अच्छा सुझाव आएगा, हम पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है हाउस में कि कोई अच्छा सुझाव किसान के लिए आएगा उसको भी मानने को हम तैयार हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो वो ये कह रहे हैं कि हम 2013 से ना तो कम चाहते ना 2013 से ज़्यादा। ये नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो संवाद ज़रूरी है और जो सही बात है उसको माने, विपक्ष को भी मानना चाहिए अगर कोई सही बात है तो।